हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी करेंगे हम लोग जीके जेएस के क्वेश्चन को देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए। तो इसमें मैं आपको टोटल 40 क्वेश्चन दिखाऊंगा और इसमें देखना है कि आप कितना क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हो। और ये जो मैंने आपका सेट पेपर लिया है, ये मैंने आपका ग्रेडअप से लिया है, ठीक है, जो कि आपका कल ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर हुआ था उसी के मैंने आपका ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बता दूँ आपको, यहाँ पर मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए समय दूंगा 10 सेकंड और इसी समय में आपको बताना है और आपके आंसर भी होंगे, ठीक है। और आपको लास्ट में देखना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही जवाब दिया है, ठीक है। और लास्ट में मुझे कमेंट करके भी बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आज का, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डिनेस्टी, मतलब खिलजी वंश के अंतिम शासक कौन थे। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, लास्ट रूलर थे आपका जो खिलजी डिनेस्टी के, वो थे आपका नसरुद्दीन खुसराहू शाह, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, हु इज अ रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ इंडियन रेनेजेंस, ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय, जो आपका ब्रह्मो समाज के भी फाउंडर थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपसे क्या पूछा है, द सेकेंड कॉन्फ्रेंस कम इंटरनेशनल बायर सेलर्स मीट 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच सिटी, ठीक है। दूसरा सम्मेलन सह इंटरनेशनल बायर्स और सेयर मीट्स 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था। आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो ये वाला जो आपका मीटिंग हुआ था वो आपका मणिपुर की राजधानी में हुआ था, मतलब इसका आंसर होगा इम्फाल। क्लियर है। जो कि आपका डेट की बात करूं तो ये आपका 19 जून 2019 को हुआ था मीटअप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहां पर आपसे क्या पूछा है, रॉकेट का आविष्कार किसने किया था, मतलब हु इन्वेंटेड रॉकेट। तो यहां पर आप इसका, आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो आपसे पूछा था रॉकेट का इन्वेंटेड कौन किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, इनका इन्वेंटेड आपका रॉबर्ट गॉडवर्ड ने किया था, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ आपसे क्या पूछा था, हु अमोंग द फॉलोइंग गेव थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मतलब निम्नलिखित में से किसने क्रामिक विकासवाद का सिद्धांत दिया था। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो आपको पता होना चाहिए, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का जो आपका ये दिए थे वो आपका डार्विन ने दिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अब यहाँ पर बात करेंगे मेंडल, तो आपको पता होगा ये चारों जो आपको ऑप्शन में मेंडल या फिर रदरफोर्ड या हुक, तो यहाँ पर बात करेंगे मेंडल, आपको पता होना चाहिए आपका, इसको बोलते हैं मॉडर्न, ठीक है, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर भी बोलते हैं मेंडल को। और रदरफोर्ड के बारे आपको पता होगा, ये न्यूक्लियस के थ्योरी दिए थे। और डार्विन का तो आपको पता है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिए थे। और ये हुक, रॉबर्ट हुक, जो आपका सेल का डिस्कवर किए थे, ठीक है, सेल का डिस्कवर किए थे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या पूछा है, किस महासागर को पहले सिंधु महासागर कहा जाता था। समझ गए, विच ओशियन वॉज अर्लियर कॉल्ड सिंधु महासागर। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो किस महासागर को आपका पहले हम लोग हिंदू महासागर बोलते थे, तो ये है आपका हिंद महासागर को हम लोग पहले आपका सिंधु महासागर बोलते थे, यानी इसका आंसर क्या होगा, हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब वह हार्मोन जो मानव शरीर में तनाव के समय स्रावित होता है।
तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा, तनाव के समय में कौन सा आपका हार्मोन स्रावित होता है, मतलब कौन सा आपका हार्मोन सिक्रेटेड होता है, तो ये होता है आपका एड्रेलिन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ आपसे क्या पूछा है, कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है, समझ गए, विच इंडियन स्टेट शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद भूटान। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आसाम। अब मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं, यहां पास जो आपका भूटान है वो इंडिया के साथ, ठीक है, इंडिया के, हालांकि इंडिया के साथ तो आपका टोटल देखा जाए तो 7 आपका कंट्री का बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है, मगर यहाँ पर भूटान की बात करेंगे तो इंडिया भूटान के बीच में 700 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, और जिसमें से आपका आसाम सबसे मैक्सिमम आपका लॉन्गेस्ट बाउंड्री साझी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आपको क्वेश्चन कभी कभी ये भी बनता है कि जो आपका भारत है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री किस देश के साथ साझा करता है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए सबसे लंबा जो लॉन्गेस्ट बाउंड्री होता है वो आपका बांग्लादेश के साथ होता है। जहाँ पास अगर मैं बात करूँ किलोमीटर के वाइज पे, तो किलोमीटर है आपका 4096 करीब करीब। ठीक है, तो ये इतना लंबा किलोमीटर आपका बांग्लादेश के साथ आपका साझेदारी करता है। क्लियर है? चलिए, वैसे बहुत सारे हैं, चाइना है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पाकिस्तान है, फोर्थ नंबर की बात करेंगे तो नेपाल है, चौथा नंबर में आपका मतलब फिफ्थ नंबर में म्यांमार हो जाता है, म्यांमार के बाद आपका भूटान का आता है, और भूटान के बाद भी जो सबसे नीचे में है जो है वो आपका अफगानिस्तान है, जो कि सबसे कम आपका साझा करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पास क्या बोला है, हु वॉज द बिकम द फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन, मतलब सबसे तेज 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाला क्रिकेटर कौन बन गया। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, विराट कोहली। आपको पता होगा विराट कोहली के नाम कई सारे रिकॉर्ड दर्ज है, यहां पर बात करेंगे विराट कोहली इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करेंगे देखो, फास्टेस्ट 20,000 रन जो है अगर इंडिया में बात करेंगे तो ये आपका तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के खिलाड़ी बने जो सबसे तेज आपका 20,000 रन बनाए हैं, पहला आपको पता होगा सचिन तेंदुलकर, और जो दूसरा थे वो आपका राहुल द्रविड़, और तीसरा है वो आपका विराट कोहली। अगर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ठीक है, सभी अगर टीम की बात करें तो ये आपका 11 नंबर के खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है, एक मिनट, माफ कीजिएगा, 11 नंबर के नहीं, 12 नंबर के ये आपके खिलाड़ी बनते हैं सबसे तेज आपका 20,000 रन बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फिलहाल जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका यहाँ पास क्या बोला है, यहाँ पर आपसे बोला है हंटर समिति को किस नरसंहार के जांच के लिए नियुक्त किया गया था, मतलब हंटर कमेटी इज अपॉइंटेड टू इन्वेस्टिगेट विच मैसकेयर। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहां पर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपको पता होना चाहिए हंटर कमेटी किसके लिए आपका ये अपॉइंट किया गया था, तो ये आपको पता होगा जलियांवाला बाग के लिए आपका अपॉइंट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपको पता होगा क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि जलियांवाला बाग किस आपका वर्ष हुआ था और कौन सा डेट में हुआ था, तो सभी को पता होना चाहिए ये आपका 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, डेट भी डायरेक्ट आपसे पूछी जाती है, और ये आपको पता होगा अमृतसर में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब निम्न में से किस बल को एक समान सर्कुलर मोशन में पिंड को रखने के लिए आवश्यकता है। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन सा आपका फोर्स का रिक्वायर्ड होती है, तो यहां पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायर होती है, मतलब अभिकेंद्रीय बल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पास क्या बोला गया आपसे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है, क्वेश्चन समझ गए, आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब।
चलिए, तो आपका अनुच्छेद 324 वो आपका है चुनाव आयोग से आपका ये संबंधित रखता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए अभी आपका करंट में चीफ, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन वो कौन है, तो आपका सुनील अरोड़ा है जो कि आपका 23 नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए। चलिए अब देखो यहाँ पर देखो फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस कमीशन ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, जो आपका 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है, 15th फाइनेंस कमीशन के प्रेसिडेंट कौन है, तो ये आपको पता होना चाहिए, एन के सिंह यानी नंद किशोर सिंह, और आपका जो चल रहा है अभी 14th फाइनेंस कमीशन वाई वी रेड्डी, तो ये सब आपको एक्स्ट्रा में पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपसे क्या पूछा है, विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ नेपाल, मतलब नेपाल का सबसे उच्च चोटी कौन सी है, तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए और ये सभी को पता होगा मैं मानता हूं। यहां पास आपका हाईएस्ट पीक कौन है नेपाल का, अब यहां नेपाल का जो है वही आपका पूरा वर्ल्ड का भी है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में सबसे बड़ा आपका ये पर्वत है और साथ ही साथ आपका पूरे वर्ल्ड में भी आपका ये नंबर वन में आता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगर मैं इसका किलोमीटर मतलब आपका इसका अगर मीटर में बात करूं तो ये आपका 8048 मीटर की इसकी लंबाई है, क्लियर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं इसको बात करूँ देखो और भी बता देता हूँ कुछ कुछ आपको इस तरह का भी क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट आपका पीक कौन सा है, मतलब आपका हाईएस्ट पीक कौन है इंडिया में, तो आपको पता होना चाहिए K2 जिसको बोलते हैं कंचनजंगा। और अगर मैं बात करूँ कंचनजंगा का अगर वर्ल्ड वाइड अगर रैंकिंग की बात करूँ तो ये तीसरे नंबर के होते हैं कंचनजंगा, ठीक है, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए फिलहाल। और यहाँ पर बात करेंगे अगर नेपाल में अगर ये जो आपका है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट तो नाम है मगर नेपाल में इसको बोलते हैं सागर मठा, ठीक है, सागर मठ बोलते हैं नेपाल में, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट का। चलिए और ये आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका तिब्बत चाइना और आपका नेपाल के बॉर्डर में स्थित है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा, फैट मैन युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था, मतलब फैट मैन वॉज द फेमस नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो ये आपका जो फैट मैन किसके लिए, मतलब आपका फैट मैन युद्ध के दौरान निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपको परमाणु बम के लिए प्रसिद्ध था यानी एटॉमिक बम, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रीजन ऑफ अराइजिंग पैरेलल इकोनॉमी, मतलब समांतर अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने के क्या कारण है, क्वेश्चन समझ गए। चलिए आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो यहां पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा था आपसे व्हाट इज द रीजन ऑफ अराइजिंग पैरेलल इकोनॉमी, तो मतलब आपका समांतर अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने का क्या कारण है, तो ये ब्लैक मनी का कारण, मतलब काला धन के कारण है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं बेहिसाब आपका जो हिसाब होता है बेहिसाब धन का उसके भी ये रीजन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 ब्लैक मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा, ऑपरेशन चंगेज खान किससे संबंधित है, मतलब ऑपरेशन चंगेज खान इज रिलेटेड टू, तो बताओ इसका आंसर, आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो ये जो आपका ऑपरेशन चंगेज खान है वो आपका किससे संबंध है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में ये आपका कोड रखा गया था, तो यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 इंडो पाकिस्तान वॉर 1971। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा, इन 1528 विच रूलर डिफेटेड द राजपूत एट चंदेरी बैटल, मतलब आपका 1528 में चंदेरी युद्ध में किस शासक ने राजपूतों को हराया था, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो यहां पर आंसर हो जाएगा बाबर, जो बाबर थे आपका राजपूत को हराए थे, जब आपका मेवर के जो राजा थे राणा संगा उनको ये आपका हराया था बाबर ने, ठीक है, बाबर शासक ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्लियर है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, पूछा है पौधे में लीफ कर्ल एक डैश बीमारी है, मतलब लीफ कर्ल इन प्लांट इज अ डैश डिजीज। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए लीफ कर्ल ये किस टाइप का एक डिजीज है। तो ये आपका एक फंगल टाइप का डिजीज है, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फाफूद तरीका का, मतलब ये आपका फाफूद बीमारी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, विच प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम, ठीक है, हैज डेड ऑन 21 सितंबर 2018, मतलब 21 सितंबर 2018 को वियतनाम के किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहाँ पास आपका पूछा था कि कौन सा प्रेसिडेंट का मतलब वियतनाम का कौन प्रेसिडेंट का 21 सितंबर 2018 को मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका इसका आंसर होगा ट्रान डाई क्विंग, ठीक है, ट्रान डाई क्विंग, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगर मैं बात करूँ वियतनाम का, ठीक है, तो यहाँ पास आपको पता होना चाहिए इसका कैपिटल, तो कैपिटल इसका होता है हनोई, ठीक है, हनोई। अगर करेंसी की बात करें तो डोंग, ठीक है, वियतनामीज डोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर आपसे क्या पूछा, तूतीकोरिन बंदरगाह डैश में स्थित है, मतलब तूतीकोरिन पोर्ट इज लोकेटेड इन। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तूतीकोरिन पोर्ट कहाँ है, तो ये आपका तमिलनाडु में है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो अभी आपको पता है कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो सफल हुई थी, पूरे मिनिस्टर का जो आपका आपका सबके आपका बदले गए थे, तो इसमें अब जो बने हैं वो आपका प्रकाश जावड़ेकर बने हैं। क्लियर है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। और पहले की बात करेंगे तो पहले आपका डॉक्टर हर्षवर्धन थे, मगर ये आपका अभी का पूछा है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रकाश जावड़ेकर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी देख सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा आपसे, इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, मतलब इसरो बिल्ट इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट नोन एज। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहां पर आपसे क्या पूछा था, इसरो ने जो भारत का पहला उपग्रह का निर्माण किया तो उसका नाम आपका पूछा था किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1975 में, ठीक है, 1975 में इसका ये हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फिलहाल ऑप्शन नंबर 1, आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा, हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, चलो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो आपसे केवल पूछा था कि हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकसभा, तो किस इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, स्पीकर ही होता है आपका लोकसभा का चेयरमैन ना। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा, सभापति। और लोकसभा को और भी क्या बोलते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, आपका लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ही बोलते हैं लोकसभा का। अगर मैं बात करूँ अभी जो करंट में जो आपका लोकसभा के जो स्पीकर बने हैं वो कौन बने हैं, तो आपको पता होना चाहिए अभी हाल ही में बने हैं ओम बिरला। तो इस तरीका का भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, किस सिख गुरु ने गुरुओं का उत्तराधिकारी को समाप्त कर दिया, मतलब विच सिख गुरु टर्मिनेटेड द सक्सेशन ऑफ गुरुज। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए, तो यहाँ पर आपसे पूछा था कि कौन सा गुरुओं ने, मतलब कौन सा गुरु आपका उत्तराधिकारी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, मतलब तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह, जो कि आपका 10th नंबर के सिख गुरु थे। ठीक है?
ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, द इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूड इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, तरल पदार्थों का आंतरिक घर्षण बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्लूड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको विस्कस फोर्स बोलते हैं, ठीक है, विस्कस बल जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा है, विच रिवर इज नोन एज इंडियन नील, मतलब किस नदी को इंडियन नील के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सा क्वेश्चन था, आपसे पूछा था कि कौन सा आपका नदी, ठीक है, कौन सा नदी को इंडियन नील के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको पता होगा, गंगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, हु इज द हेड ऑफ बीएसएनएल के प्रमुख कौन है। तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो आपसे पूछा था बीएसएनएल के हेड कौन है, तो बीएसएनएल के हेड आपका हाल ही में बने थे, ठीक है, मतलब 2019 में ही बने थे, जनवरी के समय में। और इसका जो आपका हेड बने थे वो आपका एमटीएनएल के डायरेक्टर थे। तो वो कौन थे जो बने थे, तो वो थे आपका प्रवीण कुमार पुरवर, क्लियर है। और अभी आपका करंट में बात करेंगे तो बीएसएनएल बहुत लॉस में चल रही है, और बीएसएनएल के बारे बात करेंगे तो बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, इस तरीके से पूछा जा सकते हैं। और एक ये भी क्वेश्चन आपका ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है, बीएसएनएल का आपका जो बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, ठीक है, बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया था, तो ये आपका मेरी कॉम को बनाया गया था। तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ क्या पूछा, व्हाट इज द सिंबल फॉर जिंक, मतलब आपसे पूछा था जिंक का प्रतीक क्या है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो यहाँ पास आपको पता होगा जिंक का सिंबल क्या है, तो जिंक का सिंबल जेड एन होता है, ठीक है, जेड नहीं होता, कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, जेड एन होता है। तो अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कितने नंबर एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, मतलब जिंक का कितना एटॉमिक नंबर होता है, आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, सोनिया गांधी वॉन फ्रॉम विच एरिया इन 2019 लोकसभा इलेक्शन, मतलब 2019 का लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने किस क्षेत्र से जीती। तो आपसे क्वेश्चन है किस क्षेत्र से जीती, ये नहीं पूछा है कि किसको हराई है, ठीक है, अपना अपोनेंट में, आपसे केवल पूछा किस क्षेत्र से जीती है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा रायबरेली, और आपको पता होगा ये रायबरेली से जीती थी और बहुत ज़्यादा में जीती थी, ठीक है, ज़्यादा वोट से जीती थी। और इसके अपोनेंट में जो थे वो आपका दिनेश प्रताप सिंह थे, ठीक है, दिनेश प्रताप सिंह थे। और आपको पता होगा राहुल गांधी थे, वो आपका हार गए थे अमेठी से, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे फिलहाल जल्दी से, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा, हु वॉज द ऑथर ऑफ इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, मतलब इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, शिकागो इज अ सिटी इन, शिकागो डैश एक शहर है, तो आपको बताना है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो आपको पता होना चाहिए शिकागो कहाँ है, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर टू, उत्तर अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, भारत सरकार किस भारतीय शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र स्थापित कर रही है।
तो आपसे पूछा है इंडिया गवर्नमेंट इज सेटिंग अप इंटरनेशनल आर्बिटेरियन सेंटर इन विच इंडियन सिटी, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो ये आपका न्यू दिल्ली में आपका है, ठीक है, इसका जो स्थापित कर रही है, तो करेक्ट आंसर होगा न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ेंगे जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखेंगे क्या बोला है। यहाँ पर आपसे पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट आज गारो एंड खासी ट्राइब्स फाउंड, मतलब निम्नलिखित में से किस राज्य में गारो और खासी जातियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन समझ गए, तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो ये जो आपका गारो और खासी जो है जातियाँ वो आपका कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका मेघालय में पाई जाती है, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो मेघालय में तीन टाइप के जातियाँ पाई जाती है, ठीक है, एक आपका गारो, फिर दूसरा आपका खासी और तीसरा आपका बोलता है पनर्स, ठीक है पन्स। तो ये आपका तीन टाइप की जाति है जो आपका पाई जाती है मेघालय में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है एडिंग कार्बन गिव्स डैश कलर टू ग्लास, मतलब कार्बन मिलाने से कांच को डैश रंग मिलता है। क्वेश्चन समझ गए, आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी चीज, मतलब आपका कार्बन अगर आपको ग्लास में मिला रहे तो ग्लास का ज्यादातर आपका रंग क्या होता है एम्बर होता है, ठीक है एम्बर, यानी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड एम्बर, तो इसका होगा थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे त्रिमणि, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा विच सोशल मीडिया इज प्लानिंग टू लॉन्च अ क्रिप्टो करेंसी कॉल्ड लिब्रा, किस सोशल मीडिया को लिब्रा नाम का एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना है, तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए काफ़ी होगा इतना समय, तो यहाँ पर बात करेंगे कौन सा सोशल मीडिया, तो ये आपका फेसबुक का ये योजना है, तो इसका आंसर क्या होगा फेसबुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है आपसे मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण के श्रवण से संबंधित है, मतलब विच लोब ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ हियरिंग, तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो ये आपका कौन सा मस्तिष्क है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेम्पोरल लोब, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर थर्ड शंख पाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है रामन, ठीक है रामन इज अ रिलीजियस फेस्टिवल एंड रिचुअल थिएटर ऑफ, मतलब रामन एक धार्मिक समारोह तथा अनुष्ठान है जो राज्य से जुड़े हैं, तो कौन सा राज्य से जुड़े हैं, तो आपका समय मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ये आपका जो है वो आपका इस राज्य से जुड़े हैं, मतलब उत्तराखंड से जुड़े हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ेंगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देख सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है किसे चीनी का राष्ट्रपति कहा जाता है, मतलब चीन का राष्ट्रपति कहा जाता है, हु इज रिफर्ड एज द फादर ऑफ चाइना, तो आपका समय स्टार्ट होता अब। चलिए तो इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए, जो चाइना का राष्ट्रपति है, मतलब आपका हु फादर ऑफ चाइना, मतलब फादर ऑफ चाइना, वो किसको कहते हैं, तो ये आपका सुन यात सेन को कहते थे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर वन। जैसे हमारे इंडिया में एमके गांधी, मतलब मोहनदास करमचंद गांधी को बोलते हैं फादर ऑफ नेशन, उसी तरीका से आपका सुन यात सेन को फादर ऑफ चाइना कहते हैं, ठीक है फादर ऑफ चाइना से आपका ये करते हैं। अगर जैसे आपका पाकिस्तान में मोहम्मद जिना, मतलब मोहम्मद अली जिना, उनको भी बोलते हैं पाकिस्तान के फादर ऑफ नेशन, तो इसी तरीका से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सुन यात सेन, जो कि आपका चाइना के पिता के तौर पर इसको बोल मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपसे क्या पूछा है मारिया सरपोवा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट, तो क्या पूछा है मारिया सरपोवा किस खेल से जुड़ी है, तो आप लोग जल्दी से आंसर बता दो, आपका समय स्टार्ट होता है अब। और ये आपका एक रसिया के आपका
खिलाड़ी है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा टेनिस से ही आपका संबंधित है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ेंगे। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका भी आप लोग आंसर दे सकते हो। यहाँ आपसे क्या पूछा है, किस झील में अधिक मात्रा में ऊर्जा मिलाने को कहते हैं, मतलब आपका एडिशनल ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट इन अ लेक इज रेफर्ड टू एज, तो इसको क्या बोलते हैं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए, तो ये क्या कहलाता है, ये आपका उष्णीय प्रदूषण कहलाता है, मतलब थर्मल पोल्यूशन कहलाता है। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है। तो यहाँ पास मेरा आज का ये टोटल 40 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया, देख लेता हूँ। हाँ, ये मेरा आज का टोटल 40 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। तो मैं देखूंगा किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आपका 25+ अगर क्वेश्चन सही हुआ है तो फ्रेंड्स आपका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये नंबर है, ठीक है। और जिनके 15 नंबर अगर कम से कम पार कर रहे हैं तो भी फ्रेंड्स आपके भी बहुत अच्छे हैं, बस अब आने वाले समय में ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पास वीडियो को वाइंड अप करेंगे, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।